लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी विश्वास के साथ आप हमेशा कोशिश करते रहिए, हमेशा बड़ा सोचिए। यदि आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा करने की कोशिश करोगे, यदि आप छोटा सोचोगे तो आप छोटा ही करने की कोशिश करोगे। यदि आपका लक्ष्य है कि आप सिर्फ और सिर्फ पास होकर के आओ, यदि सिर्फ और सिर्फ आप 33% लेकर के आना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं 50 से लेकर 60% लेकर के आऊं तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करोगे। यदि आपकी सोच है कि आप 90 से ज्यादा लेकर के आना चाहते हैं, 90% से ज्यादा लेकर के आना चाहते हैं, तो आप 90% से ज्यादा के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे। इसीलिए आप बड़ा सोचिए और बड़ा करने की कोशिश करिए। और याद रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर एक चीज संभव है। यदि आप सोच सकते हो तो उसे आप कर सकते हो, और यदि आप कर सकते हो तो वो असंभव हो ही नहीं सकता। तो इसी विश्वास के साथ आप हमेशा कोशिश करिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। और सोचिए, ये आपके स्कूल लाइफ की अंतिम जर्नी है और इस स्कूल लाइफ की ये लास्ट एग्जाम है। इसके बाद ये समय फिर से नहीं आने वाला। ये लोग जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, और ये जो आपका समय है, ये फिर से दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए आप कुछ ऐसा करके जाइए अपने स्कूल से, ताकि आपके जो आने वाले जो जितने भी पीढ़ी है, आपके आने वाले जितने भी आपके जूनियर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी कॉपी करें। तो इसी विश्वास के साथ आप पढ़ाई करिए। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ रमेश निसार, एंड अभिप्सन टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सैंपल पेपर के बारे में, कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 80 नंबर का आने वाला है, जिसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके आएंगे 20 नंबर के, और राइटिंग स्किल से 30 नंबर के, एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक से 30 नंबर के। तो इस तरह से आपके कुल 80 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसको आपको कैसे लिखना है, किस तरह से आप लिखेंगे, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो आपका जो शुरू है सेक्शन ए, इसे आप कैसे और किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका 12 नंबर का है। समझिए कि ये 12 नंबर का आपका पका पुकाया खीर है। इसमें अलग से आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप देखिए कि इंग्लिश के कक्षा 12th के कौन सा प्लेलिस्ट है, और उसमें सारे वीडियोस डले हुए हैं। वैसे 10th के, 12th के, हर एक जो सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपका क्या करिए कि सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके क्वेश्चन है 12 नंबर के, जिसमें से 5 नंबर के आपके रहेंगे एमसीक्यूज और 7 नंबर के आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप अनसीन पैसेज को एक बार रीड करिए, ताकि आपको जो भी चीजें मिलेंगी उस 15 मिनट के अंतराल में आप टिक करके रख सकते हैं। टिक करके इट मींस पेंसिल से, है ना। तो पेंसिल से आप हल्का से टिक करके रखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल रहा है, सेकेंड का यहाँ पे मिल रहा है, तो इस तरह से आप एक तरह से आप टिक लगा करके रख सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ दिखाई दे और जैसे लिखने के लिए कहा जाए आप लिखना स्टार्ट करेंगे। और कैसे लिखेंगे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है और आपको आंसर लिखना है। आपका जो आंसर शीट है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसमें आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर में आप लिखेंगे अपना आंसर, आंसर नंबर, ये आप लिखेंगे आंसर नंबर। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 1। उसके बाद जो भी आंसर है उसको आप लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। तो इस तरह से आप जो है चीजों को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन ये फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कौन सा है, जो भी आपका आंसर है उसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे आंसर ए यदि आपका आंसर है तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे, उसके बाद जो भी आंसर है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर को आप बीचों बीच इस तरह से आप लिखेंगे, और उसके बाद जो भी आपका आंसर रहेगा सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़िए, फिर आंसर नंबर 2 लिखिए,
उसका जो आंसर होगा, जैसे डी है तो डी लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका आंसर है उसे लिखेंगे। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर आसानी से लिखते जाएंगे, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, कुछ इस तरह से आंसर नंबर 10 तक। तो इसको आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका लिखने का स्टाइल होना चाहिए कि आंसर इन पैसेज में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, और जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देने होते हैं। तो इस तरह से आपके 12 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें एक पैसेज दिया रहेगा और इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट राइटिंग, नोट राइटिंग कैसे बनाना, नोट्स मेकिंग कैसे करना है, ठीक है, तो नोट्स मेकिंग कैसे करना है, और उसके बाद फिर समरी राइटिंग का, ये आपके आएंगे 4-4 नंबर के, यानी 8 नंबर के आपके ये दोनों रहेंगे। और ये जो चीजें रहेंगी ये आपके इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही लिखने होते हैं, जिसमें आपको नोट कैसे बनाना है, नोट मेकिंग कैसे करना है और इसका समरी कैसे तैयार करना है। तो इसके भी वीडियोस है, सेपरेट वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो इसके बारे में मैंने उस वीडियो में, उन जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी, ये है आपका राइटिंग स्किल्स से, और इसमें से भी कितने नंबर के आने हैं, 30 नंबर के आने हैं, 20 नंबर के आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद 30 नंबर के हैं। अब ये जो 30 नंबर है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो है नोटिस राइटिंग है ना, नोट मेकिंग अलग चीज है और नोटिस राइटिंग अलग चीज है। तो नोटिस राइटिंग का आपका आएगा 4 नंबर का, और अथवा में आ सकता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ठीक है। एडवर्टीजमेंट राइटिंग के अलावा दो चीज और है, वो है इनविटेशन और पोस्टर मेकिंग, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। हालांकि आपके एग्जाम में दो ही चीजें ज्यादातर आए हुए हैं, एक है नोटिस राइटिंग और एक है एडवर्टीजमेंट। अब इसके अलावा यदि आपके पास टाइम है तो आप जो है इनविटेशन राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग को भी आप देख लीजिए, उनके भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो ये आपके 4 नंबर के आने वाले हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन जो होता है वो भी एक तरह का फॉर्मल लेटर ही होता है। तो यहाँ पे आपका लेटर आ सकता है और एप्लीकेशन, तो ये आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। इसको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जो लेटर है, एप्लीकेशन है, इन चीजों को आप एक ही पेज में लिखेंगे, दो पेज में नहीं लिखना है, चाहे कितना भी बड़ा हो आपको एक ही पेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि लेटर एंड एप्लीकेशन एक ही पेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपका आ जाता है आर्टिकल राइटिंग। ये लगभग 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ये आपके 10 नंबर के हैं। अब इनमें से कोई भी यदि आता है, इनमें से आपको एक लिखना होता है, चाहे स्पीच राइटिंग आए चाहे आर्टिकल राइटिंग। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर आर्टिकल राइटिंग से ही रिलेटेड आए हुए हैं, तो इनमें से आप जिनको ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं उनको आपको 250 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। 250 वर्ड से भी आप ज्यादा लिख सकते हैं, कम ना लिखे, ज्यादा लिखने की कोशिश करिए। और वर्ड को आपको कैसे गिन सकते हैं, वर्ड को इस तरह से गिनेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब लगभग आपके कॉपी में यदि 15 वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कितने लाइन आ सकते हैं। यदि आपके आप कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे आंसर शीट में लिख रहे हैं, और आपसे 10 वर्ड आ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए, फिर 10 वर्ड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, लाइनों में आप लिखेंगे। तो ये आपका आर्टिकल राइटिंग है, और आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, इसके भी सेपरेट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद बात आती है डू एज डायरेक्टेड की। अब इसमें देखिए एनी 10 दिया हुआ है, और जितने भी 11 है, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जिनको आप बेस्ट बना सकते हैं उन्हीं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको वहां पे होशियारी नहीं दिखानी है, आपको 11 के 11 या 12 के 12 क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, जो आपका बेस्ट बनेगा उन्हीं को बनाना है। यदि आप ज्यादा बना देते हैं तो वो जो लास्ट के जो क्वेश्चन है उसको काट दिए जाते हैं, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए आप जितना है उतना ही बनाएंगे, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और साथ ही साथ आप अच्छे से बनाएंगे। तो ये 10 जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके डुअल्स डायरेक्टेड के, और डुअल डायरेक्टेड के मैंने ढेर सारे वीडियोस दिए हुए हैं, यदि आप चाहें तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि डुअल डायरेक्टेड के वीडियोस में मैंने एकदम डिटेल से समझाया है कि इसका आंसर कैसे है, किस तरह से आप बना सकते हैं।
तो ये आपके 10 क्वेश्चन आपके डूएस डायरेक्टेड से आएंगे, जो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे यहाँ पे 11 क्वेश्चन है और एनी 3 को बनाने के लिए कहा गया, तो एनी 3 ही आप बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से डूएस डायरेक्टेड इट मीन्स जैसा कहा गया है, जैसा निर्देश दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेक्शन सी की। अब ये है लिटरेचर से, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से, तो कैसे और किस तरह से आएंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर्स। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके आते हैं फ्लेमिंगो से, है ना। टोटल फ्लेमिंगो एंड वी स्टार से आपके 30 नंबर के आने वाले हैं। अब क्वेश्चन आंसर की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर्स जो है फ्लेमिंगो बुक से 12 नंबर के और विस्टार से 10 नंबर के आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 4-4 नंबर के, 8 नंबर के जो है यहां से आते हैं आपके फ्लेमिंगो बुक से, 8 नंबर के एक्स्ट्रा, जो कि ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले से ही बनाए हुए हैं एमसीक्यूज करके, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक सीन पैसेज है। सीन पैसेज इट मीन्स जिसे हमने लेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इस पैसेज को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस पैसेज को इग्नोर करिए और सीधा आ जाइए क्वेश्चन में, जो कि इस तरह से रहेगा आपका एमसीक्यूज, जो कि आपके लेशन से रिलेटेड है। अब इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देने होते हैं। ये 4 नंबर के आपके प्रोज सेक्शन से आएंगे, फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से, और एक 4 नंबर के आपके आएंगे पोएट्री सेक्शन से, यानी फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन से। इसमें भी आपको पोएट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोज पोएट्री को साल भर पढ़े हुए हैं। आपको सीधा जाना है क्वेश्चन में और क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने होते हैं। ये 4 नंबर के आपके आने वाले हैं, तो कुल आपके हो गए कितने, 8 नंबर के एमसीक्यूज। कहां से, आपके लेशन से, कौन से बुक से, फ्लेमिंगो बुक से, प्रोज से 4 नंबर के और पोएट्री से 4 नंबर के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर्स आपके 12 नंबर के आते हैं, किसमें से, आपके फ्लेमिंगो बुक से, और विस्टार से आपके आते हैं 10 नंबर के। तो देख लेते हैं, देखिए 3 आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन जिनमें आप 2 सेंटेंस में या 3 सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपके 6 नंबर के आएंगे 3 क्वेश्चन। अब उसके बाद आपका आने वाला है 6 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन है अथवा करके आएगा, इसमें से आप कौन सा बेस लिख सकते हैं उसी को आप लिखेंगे। और जब लिख रहे हैं तो आप वर्ड का ध्यान रखिए, इसको आपको 80 वर्ड्स के आसपास लिखने हैं। वर्ड को कैसे गिनना है इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो वैसे ही आप गिन करके लिखिए, 80-90 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन आंसर लिख भी रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिए, क्योंकि पैराग्राफ चेंज करके यदि आप लिखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पैराग्राफ दो तीन पैराग्राफ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, तो ये अपना जो आपका बेस्ट बनेगा उसी को आपको लिखना है। रट करके नहीं जाना है, समझ करके जाना है, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको टेंस के अकॉर्डिंग, वॉइस के अकॉर्डिंग, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन चीजों का यूज करके, जैसे एज सून एज, एज फॉर एज, एज मच एज, अनलेस, इफ, इस तरह के कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को लिखिए, ताकि वो काफी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ये 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इसके बाद आपके विस्टार्स बुक से आने वाले हैं आपके 10 नंबर के। इसमें से देखिए 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आप 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके फिर से 80 वर्ड्स में आपको लिखना है 6 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें से अथवा करके 2 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जिसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि आपको रट करके नहीं जाना है, आपको समझ करके जाना है। स्टोरी को आपको पता होनी, स्टोरी पता होनी चाहिए, लेशन की स्टोरी में क्या क्या हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शब्दों का यूज करके, अपने वर्ड का यूज करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इस तरह से आप अच्छे से तैयारी करिए। अभी भी वक्त है, और अभी भी आप भिड़ जाइए, अभी भिड़ जाइए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है, आप सक्सेस हो सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। बस आपको विश्वास करनी है, अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी दवाई है जो कठिन से कठिन बीमारी को दूर कर सकती है। यदि हमारे अंदर कोई भय है, कोई संशय है, किसी भी तरह का डाउट है कि हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम अच्छे नंबर लेकर के नहीं आ सकते हैं, तो विश्वास ही एक ऐसी दवाई है जो उस बीमारी को, उस संशय रूपी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और विश्वास करिए और भिड़ जाइए अभी भी, क्योंकि अभी भी वक्त है, यू कैन डू इट। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।